तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के CSP NBC और KYC एजेंट के ऊपर। तो गाइस अगर आप हमारे साथ KYC एजेंट लेकर के काम कर रहे हैं और BC बनकर के काम कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये जानकारी दे दूँ कि कोटक महिंद्रा के जितने भी कस्टमर होंगे, जिनका भी आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे, उन सभी के लिए एक क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने का फीचर दिया गया है। जो कस्टमर 5,000 का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उनका जो है 1,00,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा बैंक कोटक बैंक के तरफ से। तो जितने भी हमारे एजेंट्स हैं अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं और जितने भी अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं कस्टमर, सभी कस्टमर के लिए बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कोटक बैंक की तरफ से। तो कोटक बैंक की तरफ से जो अपडेट है कि जितने भी उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, जितने भी वो अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं और 5,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट कराते ही उनको 1,00,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, जो कि जिनका लिमिट 1,00,000 रुपये रहेगा और उस क्रेडिट कार्ड को आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। जितने भी कोटक का कस्टमर होंगे जो अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो एजेंट बनते हैं, BC बनते हैं, उस सभी के लिए प्रॉफिट होगा कि आप अकाउंट ओपनिंग कराएंगे, साथ साथ आप उनका क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें भी आपको कमीशन अच्छा खासा मिलेंगे। चलिए हम सब इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। उसके पहले गाइस अगर आप अभी तक MHEC फॉर्म जो है जो चेंज हो गया है उसे आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आप लोगों को दिया गया है, उस लिंक ग्रुप पे जा कर के आपको उस MHEC फॉर्म का लिंक दिया गया है तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और कोटक BC जो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है उसका भी चेंज कर दिया गया है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। जो न्यू वर्जन आया है उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद ही आप अकाउंट ओपनिंग का काम करेंगे। तो देख सकते हैं MHEC फॉर्म जो है पहले से चेंजेस कर दिया गया है। पहले जो था उसके अंदर दो जगह साइन करना पड़ता था और अकाउंट नंबर, CRN नंबर, ये सब कुछ डालना पड़ता था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, CRN नंबर और एक ही जगह आपको सिग्नेचर करने का होता है, जो इसे फॉर्म भर देना है और इसका भी KYC करते समय अपलोड करना होता है। तो गाइस ये चेंज हो चुका है। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए, ग्रुप के अंदर डाल दिया हूँ, ग्रुप में जा कर के आप डाउनलोड कर लेंगे और अकाउंट ओपनिंग शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि अगर आप एजेंट या फिर BC CSP बनकर के काम करना चाहते हैं तो अभी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप के अंदर जाइए और ज्वाइनिंग कीजिए, बाकी हम अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आप जो है हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए। तो मैं इस ग्रुप का ओनर हूँ, आने की एडमिन हूँ, तो आप हमें डायरेक्ट एडमिन पे जाकर के पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमें कोटक का ID पासवर्ड चाहिए, तो मैं आपका पिन कोड पूछूंगा और आपके पिन कोड पे अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोटक बैंक की तरफ से जो अपडेट है वो क्या है। सबसे पहले तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सभी को 3 चीज़ करना होगा। सबसे पहले कोटक पार्टनर एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद सेल्फ सोर्सिंग लिंक को निकालना पड़ेगा और उसे कहीं आप एक जगह कहीं सेव करके रख लेंगे। बाकी जब आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र का डेटा एकदम आपको क्लियर करना, हिस्ट्री वाला जो भी डेटा है वो क्लियर कर देना है ऑल टाइम पे क्लिक करके, ठीक है। बाकी जितने भी क्रोम के अंदर टैब ओपन है सबको क्लोज करना है। क्लोज कर देने के बाद आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक को कॉपी करना है, जो आपने सोर्सिंग लिंक निकाले हैं उस लिंक को वहां पेस्ट करके वहां आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद उसका जो CRN नंबर और IFC कोड ये सब मिल जाता है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे। रखने के बाद आप फिर से आएंगे कोटक पार्टनर एप्लीकेशन के अंदर और वहां आपको सर्च CRN के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और CRN नंबर डाल करके उसका FKYC के ऑप्शन पे क्लिक करके उनका फुल KYC कंप्लीट करना होगा। फुल KYC करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि कस्टमर से पूछना है कि भाई आपको कुछ QR फंडिंग करना है, आने की उसके अंदर कोई पेमेंट आपको ऐड करना है क्या। अगर चाहता है तो QR फंडिंग करा देंगे तो उसमें भी आपको कुछ कमीशन मिल जाएंगे। डेबिट कार्ड इशू कर देना है और
वर्चुअल डेबिट कार्ड जो होते हैं वो लाइफ टाइम फ्री होते हैं, फिजिकल अगर मंगाते हैं तो आपको एक साल का 299 रुपये चार्ज करती है कोटक बैंक। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लेंगे और कंप्लीट करेंगे केवाईसी। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप सभी को जो पर्सनली आईडी पासवर्ड दिया गया है उस पे जाकर के आपको सीआरएन अपडेट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएंगे, जितने भी कमीशन हैं वो टोटल आपको मिल जाएंगे। बाकी तो आपको पता है कि कैसे उसके अंदर से पैसे आपको विड्रॉल करना है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा के लिए आपको मिलता रहे।